हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जीवित हैं, पिता परमेश्वर आप जीवित हैं, राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस समय के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हम जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए उसके उपकार के लिए, उसके भलाइयों के लिए। मेरे प्रिय, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, ये तो उसकी महाकरुणा का फल है और उसकी करुणा अमर है, प्रेज द लॉर्ड, उसकी दया अमर है। मेरे प्रियो, प्रभु एक दिन के लिए नहीं करता दया, एक रात के लिए नहीं करता, एक साल के लिए नहीं करता, लेकिन परमेश्वर सर्वदा सर्वदा के लिए हमारे ऊपर करुणा करता है, हम पर दया करता है। मेरे प्रियो, इसलिए उसके उपकार के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये टाइम इसलिए दिया कि हम विश्राम करें। प्रेज द लॉर्ड, इस दुनिया से कई लोग मिट गए, नाश हो गए, खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा और स्वस्थ रखा, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया रब शंदा रबला रबला रब, मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जीवित हैं और आपने हमें जीवित रखा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मुझ में बना रहे हो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो कुछ तुम मांगोगा तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया, यदि मेरा वचन तुझ में और तू मुझ में बना रहे तो जो कुछ तू मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहे, प्रभु में बने रहे, वो आपको आशीषित व्यक्ति बनाएगा, वो आशीषित करेगा आपको। प्रभु का वचन साफ लिखा है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, सचमुच में मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब पेड़ से डाली को काट दिया जाता है तो डाली सूख जाती है, उसमें फल नहीं लगता है। उसी तरह यदि हम प्रभु से अलग हो जाएंगे, हम उस सूखी डाली के समान है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु में बने रहे, उस पेड़ में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में बने रहे। यदि हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु का वचन साफ लिखा है कि यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो कुछ तू मांगेगा वह तेरे लिए हो जाएगा। भजन संहिता 20:5 में ऐसा लिखा है, वह तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। प्रभु का वचन में साफ लिखा है, तू परमेश्वर से धर्म और राज की खोज कर तो ये वस्तु तुम्हारे पीछे हो लेंगी, तुम्हें आशीषित मिल जाएंगी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु में बने रहने की जरूरत है। कई बार हम चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज नहीं करते, उसमें बने नहीं रहते, इसलिए हम आशीष से वंचित रह जाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन इस रात्रि में प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है, यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते इस वचन के लिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, हम उन आशीषों के पीछे ना जाएं लेकिन प्रभु के पीछे जाएं। हालेलुया, यदि हम प्रभु के पीछे जाएंगे तो ये आशीष तो अपने आप हमारे पीछे हो लेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जहां प्रभु की उपस्थिति वहां आशीष है मेरे प्रियो, जहां प्रभु की उपस्थिति वहां आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। इसलिए आज विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, सोने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आज तुझ में बना रहा हूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे। हालेलुया, और मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूं, तुम मुझसे बातचीत कर, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते समय के लिए, पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, सचमुच में हम तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, उस डाली के समान हम सूख जाएंगे तेरे बिना। पिता परमेश्वर, हम तुझ में बने रहना चाहते हैं, तुझ में पिता परमेश्वर बने रहना चाहते हैं।
पिता तेरा धन्यवाद करते, वो हमें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे परमेश्वर, न बल न बुद्धि से बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे खुदा। पिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की स्तुति करते परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो परमेश्वर इस समय में हमारे साथ प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। पिता परमेश्वर चाहे वो कहीं से भी हो परमेश्वर, दुनिया के कोने कोने से भी हो पिता परमेश्वर, हम सभी को तेरे पास लाते हैं परमेश्वर, और हम तुझ में बना रहना चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे वचन में बने रहना चाहते हैं परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर हम तेरी खोज करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह हम तेरे वचन में बना रहना चाहते हैं, हमें तो आशीषित कर परमेश्वर पिता। यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो इस समय में प्रार्थना कर रहे बड़े भूख और प्यास के साथ परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तेरा वचन कहता तुझे वो मुंह मांगा वरदान देगा। हाँ सचमुच में परमेश्वर जितने भी प्रार्थना करे और जो भी उनकी इच्छाएं हैं परमेश्वर, जो भी उनकी योजनाएं हैं उनको तू सफल कर परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास लाते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते हम, आपके नाम की स्तुति करते हम, आपके नाम की बड़ाई करते परमेश्वर पिता। तो हमारी योजनाओं को सफल करेगा हमें पिता परमेश्वर, तुम मुंह मांगा वरदान देगा पिता परमेश्वर, हम इतना विश्वास करते हैं पिता। यीशु मसीह हम आपके नाम की महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मबबा रशकन लरथिन लरदन लरबा यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनके पास कोई कार्य धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है परमेश्वर, उनके लिए तू रास्ता खोल दे परमेश्वर, वो तुझ में बने रहे परमेश्वर, वो सबसे पहले तेरे धर्म और राज की खोज करने वाले बने परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए तू द्वार को खोलेगा परमेश्वर। यीशु के नाम से हम तेरे पास लाते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए तू रास्ता को खोलेगा, धन्यवाद करते हैं। उनके मार्ग को खोलेगा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जिनके पास कोई जॉब नहीं है परमेश्वर, और जिन्होंने पिता परमेश्वर फॉर्म अप्लाई किया है, अपनी योजनाओं को बनाया है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जिन्होंने पिता परमेश्वर एग्जाम दिया है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उन्हें सिलेक्ट कीजिए, उन्हें पास कीजिए परमेश्वर, ताकि उनकी गरीबी खत्म हो जाए, उनकी मुसीबतें खत्म हो जाए प्रभु, वो तुझ में बने रहे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहो। प्रभु कहते हैं मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो तू मांगेगा वो मिल जाएगा। हाँ मेरे प्रियो यहाँ पर जो कुछ मांगो ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु में बने रहे, प्रभु आपको आशीषित व्यक्ति बनाएगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको जॉब देने जा रहे। हालेलुया तेरा धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, जो इस समय में बेड पर पड़े हैं परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारी है उनके जीवन में पिता परमेश्वर, उनके शरीर में से हर प्रकार की बीमारी कमजोरी कष्ट पीड़ा दूर हो जाए, और पिता परमेश्वर वो बेड से उठ खड़े होने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु, उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर, उनके जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी परमेश्वर, वो उठ खड़े होकर परमेश्वर दाऊद के समान नाच गाकर आपकी महिमा करेंगे खुदा। हालेलुया पिता परमेश्वर, जिस शरीर में पिता परमेश्वर कैंसर है, ट्यूमर है पिता परमेश्वर, ब्रेन ट्यूमर है पिता परमेश्वर, किडनी स्टोन है, पथरी है परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जिनके अंदर पिता परमेश्वर शुगर है, मिर्गी की बीमारी है पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारी जो मैं नहीं जानता परमेश्वर, ऐसे बीमारी को यीशु के नाम से खत्म कीजिए, उन शरीरों को छोड़कर वो बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम में, चंगाई को प्राप्त करेंगे। जिनका ऑपरेशन होना है परमेश्वर, का ऑपरेशन सक्सेस होने पाए तो यीशु के नाम से मैं तेरे ही हाथों में सौंप देता प्रभु, बचा ले उन लोगों को परमेश्वर, उन तकलीफों से बचा ले परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन में से हर प्रकार की बीमारी कमजोरी कष्ट पीड़ा यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिन शरीरों में दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, उन शरीरों को पिता परमेश्वर छोड़कर दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए, निकल जाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं खुदा। हालेलुया प्रभु बचा ले, प्रभु छुड़ा ले, यीशु के नाम से तू चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने चाहते जिनके पास कोई औलाद नहीं है परमेश्वर, मेरे प्रियो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है प्रभु में बना रहे,
प्रभु में बना रहे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको वंश देने जा रहा है। प्रिय प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। मेरे खुदा उनका वंश उत्पन्न होगा, उनके कोप को खोल दीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनकी नाम तराई को दूर कीजिए और पिता परमेश्वर वो आशीषित होने पाए। परमेश्वर यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर उनका वंश होगा परमेश्वर, और पिता आपकी महिमा होगी, आपके नाम की महिमा होगी, आपके नाम की स्तुति होगी परमेश्वर पिता। हम इतना विश्वास करते प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते परमेश्वर, दारू पीकर कई ऐसे परिवार टूट चुके हैं, पति पत्नी अलग हो चुके परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दे परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो व्यभिचार में फंस गए, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, अपने पति को छोड़ दिए, परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे ताकि पिता परमेश्वर वो रिश्ता फिर से बनने पाए, और परमेश्वर पिता उनके बीच में वो प्रेम दीजिए जो पहले से भी ज्यादा है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनका परिवार टूटने से बचा ले, बिखरने से बचा ले परमेश्वर, पति पत्नी दोनों मिलने पाए परमेश्वर, आपकी महिमा होगी परमेश्वर, परिवार को जोड़ दीजिए खुदा यीशु के नाम से, हालेलुया। और पिता परमेश्वर वो आप में बने रहे परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर पिता आशीषित कीजिए, यीशु मसीह आशीषित कीजिए, ऐसे परिवारों को टूटने से बचा लीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो पिता परमेश्वर कर्जे में डूबे हुए हैं परमेश्वर, जिनके ऊपर वो पहाड़ के समान कर्जा है परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका कर्जा खत्म हो जाए, वो पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनके लिए प्रबंध और व्यवस्था कीजिए, जो तेरे लोगों को धोखा देते परमेश्वर वो धोखा देने वाले ना बने परमेश्वर, लेकिन आपकी महिमा करने वाले बन जाए, आपके नाम की स्तुति करने वाले बन जाए, आपके नाम की बड़ाई करने वाले बन जाए, जिनका लोन लेना है परमेश्वर उनका लोन पास हो जाए, और पिता परमेश्वर जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर खुद का नहीं है परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर खुद का घर होगा, खुद की प्रॉपर्टी होगी, और आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर वो ऊंचे उठाए जाएंगे, हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो अनाथ और विधवाएं हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तू उनकी सुधि रखता है परमेश्वर, तू उनकी सुधि रखता है परमेश्वर, उन्हें आशीषित कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तू उनका स्वामी है खुदा, तू उनका स्वामी है परमेश्वर, यीशु के नाम से वो आशीषित होने पाएंगे परमेश्वर, और जितने भी पिता परमेश्वर कोर्ट के केस में फंसे हुए उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनकी जिंदगी को पिता परमेश्वर बचा ले नरक की आग से, अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर, उनकी जिंदगी नए से शुरुआत होने पाए परमेश्वर, ऐसे कई जवान हैं परमेश्वर जो कोर्ट के केस में फंसे हुए परमेश्वर, यीशु के नाम से उनकी बेचैनी को दूर कीजिए, उनकी व्याकुलता को दूर कीजिए, उनके डिप्रेशन को खत्म कीजिए, यीशु के नाम से उस कोर्ट के केस से निकालिए बाहर परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी पिता परमेश्वर नए से शुरुआत हो सके, यीशु तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, प्रभु में बने रहे, आप जो मांगोगे प्रभु आपको देगा, मेरे प्रियो आप प्रभु में बने रहे, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते जो तेरे दास और दासी है परमेश्वर, जो तेरी सेवा करते हैं देश विदेश गांव शहर जंगल में रहकर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ऊंचा उठा परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों का आवश्यकताओं को तू पूरा करेगा, तू अपने भाग में से उन्हें खिलाएगा परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से तू उन्हें पिता परमेश्वर तेरे वचन को लेकर परमेश्वर खड़े रहने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और परमेश्वर तेरे वचन को लेकर परमेश्वर देश देश के कोने कोने में फैला सके परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर तेरे नाम से सताए जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें हिम्मत दे परमेश्वर, सामर्थ्य दे, सामना करने की ताकत दे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पिता परमेश्वर इस भारत देश को और दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी को परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से, मूर्ति पूजा से बचा, नरक की आग से बचा परमेश्वर, वो तेरी और सिरे परमेश्वर, वो तुझ में बने रहे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए, और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज हमें मीठी नींद दे, सुबह की रोशनी दे, स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर परमेश्वर, तो सुबह की रोशनी दे ताकि हम सुबह उठकर आपकी महिमा करने पाएंगे, आपकी महिमा करने पाएंगे, हालेलुया।
तेरा धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो खुदा। एक बार फिर से पिता तेरे वचन को याद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के तहत यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, वो तू जो मांगेगा वो हो जाएगा। हाँ खुदा, तू हमें देने जा रहा है परमेश्वर, आशीषित करने जा रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन ने बोला आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है, हमें प्रभु में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले धर्म और राज की खोज कर तो ये सब वस्तु तुम्हारे लिए हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में बने रहें और आशीषित व्यक्ति हो जाइए। प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु के नाम की स्तुति कीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे, सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।